आप सभी को नमस्कार, मेरा नाम मनोज पांडे और आप देख रहे हैं ईवी हिंदी। दर्शकों, आज हम आए दिल्ली के प्रगति मैदान में लगे एक ऑटो एक्सपो शो पर, जहां पर मेरी नजर पड़ी बोल्ट के चार्जिंग स्टेशंस पर। तो चलिए यहां पर बात करते हैं अभिनेश आनंद जी से, जो कि यहां पर सिटी हेड है। तो सबसे पहले सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल। थैंक यू। ओके, तो सर कुछ बताइए अपने चार्जिंग स्टेशंस के बारे में। हाँ जी, हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले हम आपको ये मैप दिखाना चाहेंगे। आई थिंक ये मैप से आपको क्लियरली आइडिया आ जाएगा कि हर कोने में एक ना एक हमारा स्मार्ट चार्जिंग पॉइंट लगा हुआ है। टोटल 100+ सिटीज में हम लगा चुके हैं, 10,000 से ज़्यादा। अभी बात करते करते आप मुझसे पूछोगे तो 10,000 के 11,000-12,000 ऑलरेडी हो चुके होंगे। हर रोज़ मेरे जो है यहाँ पे 500 जो है, मेरा टारगेट है कि हर रोज़ हमें 500 जितने चार्जिंग पॉइंट्स लगाने हैं जी। और अगर हम बात करें हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में, तो आपको ये सबसे पहले दिख रहा होगा, ये गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी है हमारी। ये जो है यही हमने 10,000 लगाए हैं चार्जिंग पॉइंट्स। तो अगर आप देखेंगे इसको मैं क्यों कह रहा हूँ गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी, क्योंकि ये आपका इतना सिंपल सा प्रोडक्ट है। आपका कोई भी प्लग इन सॉकेट आपको करना है, 3 पिन। आई थिंक आपके घर पे फ़ोन होगा जी, आपका एक चार्जर होगा, बस वही चार्जर 3 पिन सॉकेट जो है उससे जो है हम उसको इजीली चार्ज कर सकते हैं व्हीकल को। ये आप व्हीकल्स देख रहे होंगे, दोनों ईवी व्हीकल्स जो हैं आपके सामने, इनको चार्ज किया जा सकता है इस डिवाइस से। बाहर अगर आप देखेंगे, बाहर भी ये लगाया हुआ है। इसमें प्रॉपर आप देखोगे क्या क्या चार्ज हो सकता है, तो एक 2-व्हीलर हो सकता है, 3-व्हीलर, 4-व्हीलर। तो ये आपका पूरा प्रॉपर जो है सॉल्यूशन है। अगर कोई भी व्हीकल आपको चार्ज करनी है, आपको बस इस डिवाइस की ज़रूरत है जी। सर, ये वाटरप्रूफ रहता है या फिर इसे घर के अंदर लगाना पड़ेगा कि शेड इसको नीचे? इसके लिए एक बेसिकली आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा एक पार्किंग। पार्किंग क्यों इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि व्हीकल आएगा उसको रखने के लिए एक जगह चाहिए। तो व्हीकल के लिए एक प्रॉपर पार्किंग होनी चाहिए जहाँ पे इसको रख सकते हैं। दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जिसको हम सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं, वो है अर्थिंग। सेफ्टी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अभी आजकल आप देख रहे हैं काफ़ी कुछ न्यूज़ में चल रहा है, काफ़ी कुछ जो है आपका वो जल रहा है, बैटरीज या जो भी इश्यूज़ हो रहे हैं। आई थिंक उसको इंश्योर करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अर्थिंग हो, ताकि किसी भी तरीके का हैजार्ड ना हो। कोई भी सेफ्टी जो भी आपको चाहिए, जितनी भी सेफ्टी चाहिए, वो सेफ्टी मीट हो सके। तो ये हमारा मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, उसके बिना मेरा कोई भी एम्प्लॉय जो है वो वहाँ पे जाके नहीं लगाएगा। दूसरी चीज़ है, आपने इसको लगा दिया, इसको किया चालू, इसका ऑटो कट ऑफ ऑप्शन है। आप गए, आपने जाके कहीं जाना है, आसपास जाना है। सपोज़ मैं कहीं जाता हूँ और सिंपली कोई पास में अगर कॉफ़ी शॉप है या कुछ है, वहाँ पे मैंने अगर ये लगा रखा है, मेरे को कुछ नहीं करना है, अपना व्हीकल पार्क करना है, उसमें चार्जिंग होती रहेगी, मैं अंदर जाके अपना कॉफ़ी पीना है, जो भी पीना है वो पी के वापस आ जाऊँगा, मेरी गाड़ी जो है अपने आप चार्ज हो जाएगी। उसका ऑटो कट ऑफ फीचर है। उसके सिवा और क्या है, मुझे इसका कंजम्पशन पता चलेगा। इसको एक्चुअली मैं ऐप के साथ इंटीग्रेट किया हुआ है, और वो जो ऐप है, वो ऐप की वजह से हम जान सकते हैं कि कितना कंजम्पशन हो रहा है, उसकी वजह से हम ये जान। तो ये जो चार्जिंग स्टेशन है, ये आप होमली जो पर्पज़ के लिए लोग यूज़ करते हैं उनको रिकमेंड करेंगे? सर, ये हर जगह के लिए, जब मैं कह रहा हूँ गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी है मेरी, ये रेसिडेंशियल में भी जा रहा है, अभी ये कमर्शियल में भी जा रहा है। तो मैं आपको जस्ट बता देता हूँ मेरा मार्केट क्या क्या है। मेरा सबसे बड़ा जो मार्केट है अभी के टाइम पे, वो है आपका रिटेल स्टोर्स, मॉम एंड पॉप स्टोर्स। आप देख लीजिए, किराना की दुकान देख लीजिए, हर किराना हर दुकान वाला कहता है मुझे एक डिवाइस तो आप लगा दीजिए। मिनिमम एक डिवाइस तो होना चाहिए, फॉर अ वेरी सिंपल रीज़न, वो जो है कि उनको चाहिए कि हाँ हर एक जगह पे हमारा एक एक डिवाइस हो, ताकि जो है हम लोग एक अपना ऑपरेशन शुरू कर सकें। दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो कि हमें लगा है, दैट इज़ योर गेटेड कम्युनिटीज़। जितनी गेटेड कम्युनिटीज़ हैं, वो कहते हैं कि हमें एमिनिटी की तरह दे दीजिए, जैसे स्विमिंग पूल है, जैसे पार्किंग है, वैसे ही मेरा स्मार्ट चार्जिंग पॉइंट। इसकी कॉस्ट क्या है? सर, इसकी कॉस्ट मात्र 3,500 रुपये है जी। जिसको चाहिए, आई थिंक यहीं पे हम लोग थे, इवेंट चल रहा था, खाने गए 3-4 लोग, उन्होंने बोला अरे इसका तो बिल 4,000 आ गया। मैंने कहा ये प्रोडक्ट आप देख लीजिए, 3,500 का प्रोडक्ट है। कितने घंटे में चार्ज करता है स्कूटी? सर, ये डिपेंड करेगा आपका कितना किलोवाट का है। इसमें से जो एनर्जी निकलती है, वो निकलती है 3.3 किलोवाट प्रति घंटे, इतनी एनर्जी निकलती है रफली। अगर मैं बात करूँ उसकी जो कैपेसिटी होती है आपकी 2-व्हीलर की, वो रफली 1.5 किलोवाट जैसा होता है, मोटा मोटा अंदाजे से मैं आपको बोल रहा हूँ। तो 1.5 किलोवाट अगर हम देखेंगे, तो रफली आपका एसी है, थोड़ा आगे पीछे जो भी होगा, आपका आधे से पौने घंटे में ये प्रॉपरली चार्ज हो जाएगी पूरी गाड़ी। पर इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हमें आधा पौना घंटा पूरी चार्ज करने की ज़रूरत है कि नहीं, क्योंकि ये जो चार्जिंग पॉइंट है आपको हर जगह मिलेगा।
एक किलोमीटर आगे भी मिलेगा। लोग जो है अब सोलर पैनल इस्तेमाल कर रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अपना चार्ज करने के लिए, तो सोलर पैनल से कनेक्ट किया जा सकता है? सर मैं आपको बताता हूँ, सोलर पैनल का बहुत बड़ा मार्केट है जो ऑलरेडी हमारे पास आ रहे हैं। सिंपल रीजन मैं आपको बताता हूँ, इसका बिजनेस मॉडल क्या होगा। सोलर पैनल से आपकी बिजली फ्री हो गई है जी, इसमें क्या होगा, आपकी बिजली की एक कॉस्ट होगी। अगर वो कॉस्ट फ्री हो गई तो उसका आप एक चार्ज डिफाइन कर सकते हो। सपोज आप मुझे आके बोलते हो कि इसका जो है अगर किसी को भी चार्ज करना है तो इसका मैं 20 रुपये या 25 रुपये पर घंटे के हिसाब से मैं कंज्यूमर से लूंगा। जो कंज्यूमर आएगा मैं उससे एक प्राइस लूंगा। तो सिंपल सी बात है, सोलर से आपकी एनर्जी पूरी जो भी आ रही है पूरा कंजम्पशन फ्री हो गया है आपका, वो चार्ज आप लगा दीजिए 20 रुपये। और भी यहाँ पर प्रोडक्ट्स हैं, इनके बारे में कुछ बताइए। हाँ सर, इसके बारे में भी बताते हैं। ये हमारा जो है फास्ट चार्जिंग फोर व्हीलर्स के लिए, तो ये जो है 7.4 किलोवाट प्रति घंटे के हिसाब से चार्जिंग करता है। इसमें चार्जिंग गन भी है। ये सारे एसी प्रोडक्ट्स हैं। ये आपका एसी लेवल 1 है, इसको एसी लेवल 2 चार्जिंग हम बोलते हैं। एक हमारा डीसी चार्जिंग भी है। तो हमारे पास सारे सॉल्यूशन हैं। इसकी कॉस्ट क्या है सर? इसकी जो कॉस्ट है, इसकी कॉस्ट रफली आपको पड़ेगी डिपेंडिंग ऑन कितने किलोवाट आवर्स है। सपोज अगर 7.4 किलोवाट आवर्स है तो 40,000 के करीब जो है इसकी प्राइस बनती है, अंदाजे से बोल रहा हूँ। दूसरा जाओगे 11 किलोवाट का, उसकी प्राइस अलग आएगी, आपकी 55,000 से 60,000 के बीच आएगी। तो इसकी प्राइस वेरी करती जाएगी डिपेंडिंग ऑन आपको कौन सा चाहिए। इंस्टॉलेशन कॉस्ट कितनी है सर? इंस्टॉलेशन कॉस्ट इसकी जो है, अभी हम जो इंस्टॉलेशन करवा रहे हैं वो डिपेंड करता है कि कहाँ पे करवानी है। क्योंकि आप जब इंस्टॉलेशन की बात करते हो उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। एक आती है केबल कितनी लंबी लगेगी, एक होता है कि क्या अर्थिंग है कि नहीं। अभी हम दिल्ली में कहीं भी जाएंगे सबसे पहले प्रॉब्लम आती है कि क्या हमारे पास अर्थिंग है कि नहीं। अगर अर्थिंग नहीं है तो पहले आपको वो अर्थिंग करनी पड़ेगी। दूसरा आपको केबल देखनी होगी कि कहाँ से आपको जो है उसका कनेक्शन लेना है अर्थिंग का, और उसके बाद जाके इसको इंस्टॉल करेंगे। तो अर्थिंग के लिए जो वायर डलेगी या ये सब चीजों में जो प्रोडक्ट यूज होगा वो आपका खुद का होगा? हमारी तरफ से जैसे मैंने कहा एंड टू एंड सॉल्यूशन है। आई थिंक मैंने आपको कई बार बता दिया कि आप बस मुझे बताइए आपको क्या करना है, सॉल्यूशन आपके घर पे आ जाएगा। इंस्टॉलेशन करने से पहले आप किन किन चीजों को देखते हैं, स्पेस में क्या देखते हैं, किस तरह का स्पेस होना चाहिए? हाँ तो सर जैसे मैंने आपको कहा सबसे इम्पोर्टेंट चीज है एक पार्किंग होनी चाहिए जहाँ गाड़ी खड़ी रहेगी। अगर ये गाड़ी यहाँ पे खड़ी है, यहाँ पे हम लगा रहे हैं, तो एक पार्किंग स्पेस चाहिए। एक प्रॉपर अर्थिंग होनी चाहिए फॉर सेफ्टी रीजंस, कि ऐसा ना हो जाए कहीं किसी को बाद में कुछ हो जाए। बिकॉज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हर बंदा जो कि ये यूज करने वाला है जी, तो मेरे लिए वो भी इम्प्लॉय होगा, मेरे लिए वो भी जो है वो इवेंजलिस्ट होगा जो आगे उसको प्रमोट करेगा जी। तो मेरे को इंश्योर करना है कि हम जो है प्रॉपर एक अर्थिंग हो वहाँ पे। तीसरी चीज होगी कि इसको थोड़ा सा हाइट पे रखें फॉर अ वेरी सिंपल रीजन, क्योंकि आप हाइट पे अगर नहीं रखोगे कभी फ्लड्स आ गए कभी कुछ आ गए तो पॉसिबल है कि आपका जो है वो पूरा डैमेज हो जाए या कुछ हो जाए। वाटरप्रूफ नहीं है तो सर ये एक्चुअली में क्या, इसको वाटरप्रूफ बनाया जा सकता है। अभी अगर मैं आपको बात करूं तो वाटरप्रूफ के लिए बहुत सारे अलग अलग अरेंजमेंट्स होते हैं। तो आप अगर मुझे बताओगे कि आपको वाटरप्रूफ चाहिए तो मैं उसके हिसाब से सॉल्यूशन दूंगा। तो लोग कस्टमाइज भी करा सकते हैं अपने सर? इसको किया जा सकता है डिपेंडिंग ऑन आपका क्या रिक्वायरमेंट है। आप मुझे बताओगे किस के लिए यूज करना है आपको, उसके हिसाब से जो है मैं पूरा प्रॉपर कस्टमाइज कर सकता हूं। अवेलेबल है सर मेरे ख्याल से ये जो नहीं डीलर्स कहाँ पर, कहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं? डीलर्स हर सिटी पर अवेलेबल है सर? ये जो है अभी मैं अगर आपको बात बताऊँ, मेरा जो मार्केट है सबसे बड़ा मार्केट जो है वो बैंगलोर का है, दूसरा मेरा जो बड़ा मार्केट है वो है आपका दिल्ली का, तीसरा बड़ा मार्केट मेरा पुणे का है। दिल्ली और पुणे का ऑलमोस्ट मार्केट अगर मुझे बोलोगे तो आपस में ही चल रही है। तो मेरा जो ये मार्केट है इसमें हमारे डीलर्स हैं कुछ कुछ जिनसे हमने बात कर रखी है। अब मेरे पास इशू मैं आपको बताता हूँ क्या है। एक जना मुझे आके बोलता है कि मुझे 600 का ऑर्डर दीजिए, एक जना आके बोलता है 800 का दीजिए, एक जना बोलता है 1,000 का दीजिए, एक जना बोलता है 1,200 का दीजिए। अभी वो चल रहा है कि आप मुझे बस ऑर्डर दे दीजिए, मुझे इस रीजन की एक्सक्लूसिविटी चाहिए कि किसी को भी चाहिए हो तो आप मेरे पास भेजिए, मैं उसको उसका ऑर्डर दे दूंगा। और कितने दिनों में डिलीवर करते हैं सर? हमारा जो इसका वैसे लीड टाइम है, एक बार अगर आपने कन्फर्म कर दिया प्रोडक्ट तो हम आपको जो है हमारी जो रिटेल स्टोर्स है उसमें तो हमारे खुद ही जाते हैं बंदे, वहीं जाके वो लगा के दे के आते हैं। इंस्टॉलेशन के लिए हम 2 दिन बाद का यूजली लीड टाइम लेते हैं। तो सपोज आपको प्रोडक्ट मिल गया, विद इन 2 to 3 days कोई बंदा आके पूरा इंस्टॉल कर जाएगा जी। तो ये इसका पूरा प्रॉपर प्रोसेस है इनकेस अगर किसी को इंस्टॉल करवाना है कुछ करवाना है। इसके सिवा अगर आपको और कुछ जानना है आई थिंक सबसे बेटर ऑप्शन होगा एक बार यूज करके हम देखें क्या होता है कैसे होता है, आपको अपने आप उसका आइडिया आ जाएगा जी। बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि जैसे मैंने कहा 10,000 चार्जिंग पॉइंट्स हैं। हमारा टारगेट जो है बाई 2024 ये 10,000 के आगे मुझे 2 जीरो और लगाने हैं। तो अभी आपके पास ये 2 वेरिएंट्स में अवेलेबल है? हाँ, ये लेवल 1 चार्जर कहते हैं इनको, ये लेवल 2 चार्जर है जी।
हमारे पास वैसे स्पीडोमीटर भी एक है जो हम देते हैं OEMs को, वो एक बहुत बड़ा मार्केट है हमारा ये स्पीडोमीटर्स का। इसके सिवा अगर आप देखोगे तो स्पीडोमीटर्स के सारे फीचर्स लिखे हुए हैं, इसे हम कहते हैं स्मार्ट स्पीडोमीटर। आपका जो एंड्रॉयड फ़ोन है, फ़ोन आपका कैसे इवॉल्व हुआ था कि एक स्मार्टफोन जो है धीरे धीरे उसमें फ़ीचर्स डाले गए, सो वैसे ही इसमें भी सारे फीचर्स आपको दिखेंगे। उसके सिवा ऑन स्क्रीन कॉल नोटिफिकेशन, मैं चाहता हूँ कि जैसे कोई फोर व्हीलर चलाता है उसको जो मज़ा आता है वही जो है वो इंजॉयमेंट, वही मज़ा जो है उसको टू व्हीलर में भी आए, तो ये हमारी तरफ से जो है हम पूरे मार्केट में प्रोवाइड कर रहे हैं जी। तो दर्शकों, ये थे अविनाश, जिन्होंने बोल्ट के सभी चार्जर्स के बारे में बताया। अब आपकी क्या राय है इन बोल्ट के चार्जर्स के बारे में, आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं, और ऐसे ही ईवी संबंधित जानकारियों के लिए आपके अपनी ईवी हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए गो ग्रीन गो इलेक्ट्रिक।